कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में पता करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हम इससे पहले ये पता कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि जिसमें दो डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपने मिलाए हैं। तो कौन से डिफरेंट टाइप है? एक तो रियल है और एक इमेजिनरी है, उनको मिला करके आपने बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें डिफाइन करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस को आगे डिफाइन करने से पहले आप इसके बारे में जरा सोचिए कि आपने ये पढ़ा है और इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ टू और इसकी वैल्यू आती है टू। इसी तरह से अगर ये है मॉड -2 और तब भी इसकी वैल्यू आती है टू। तो हमने देखा है कि जो मॉडुलस ऑफ टू और -2 हैं, इन दोनों में ही वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रियल लाइन पर हमने इन रियल नंबर्स को बनाया और ये देखा कि जो मॉडुलस ऑफ टू है, यानी टू नंबर जो यहां पर था उसकी वैल्यू टू है, तो ये बता रहा है कि ये टू नंबर इस जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी इसकी डिस्टेंस यहाँ से टू है तो ये टू आया है। अब -2 की पोजीशन रियल लाइन पर यहाँ पर है। अब देखते हैं कि -2 जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है, तो जो -2 है वो भी जीरो से टू की ही डिस्टेंस पर है, तो ये भी टू ही आता है। इट मीन्स ये शो करता है मॉडुलस कि ये जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है। तो अगर कहीं पर मोड एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ एक्स नंबर फ्रॉम जीरो। तो ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस जितना हम इससे पहले कर चुके हैं रियल नंबर्स में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? यहां पर दो नंबरों को मिलाया गया है, रियल को और इमेजिनरी को। यहां पर एक ही नंबर के दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने एक तो रियल एक्सिस बनाया और एक इमेजिनरी। जो रियल एक्सिस है इस पर हमने रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से, और इधर -1, -2, -3। इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी i, 2i, 3i और इधर -i, -2i, -3i इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हमने बनाए हैं, ये जिस प्लेन पर बनाए गए हैं उस प्लेन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्योंकि जो नंबर्स आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास एक नंबर है जेड, जो कि है 2+4i। इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट है वो 2 है, तो हम जो रियल एक्सिस है उस पर 2 डिस्टेंस पर गए, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4, तो हम इमेजिनरी एक्सिस पर 4 डिस्टेंस पर गए, 1, 2, 3, 4। तो ये जो पॉइंट यहां पर है, हमने इसको अगर P नाम दे दिया है, तो ये P पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को। P रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये वो है जो इसने इमेजिनरी एक्सिस पर ली है, जो कि 4 है, और ये डिस्टेंस जो 2 है। तो यहां पर हमने देखा है कि ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये 2 है और ये डिस्टेंस 4 है, और ये वाला पॉइंट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है 2+4i, तो इसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम 0। अब 0 क्या है? वो रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। वहां से ये डिस्टेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपी से,
तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से ले सकते हैं, ये डिस्टेंस 2 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 20। तो इस तरह से हमें ये जो ओपी मिला है, ये जो लेंथ मिली है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जीरो से डिस्टेंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जीरो से डिस्टेंस है उसे ही हम यह नाम दे रहे हैं जो नाम हम पहले से दिए होते हैं, यानी मॉडुलस। तो इसी को कहा गया है मॉडुलस ऑफ पी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, इक्वल टू 2 प्लस 4i। तो मॉडुलस जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो से कितने डिस्टेंस पर है। अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के लिए जनरली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। जीरो और यहां एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस एक्स हो गई, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस वाई हो गई, और ये ओपी जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये जो लेंथ आ रही है वो इसका मॉडुलस है, लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जीरो, और इसी को नाम दे रहे हैं मॉडुलस, विच इज मॉडुलस ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कुछ ऐसे बना लेते हैं, मॉडुलस रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से जैसे रियल नंबर में लेते थे पैरेलल लाइन बना करके, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड यानी इसके डिस्टेंस यहां से जीरो से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पता करते हैं, और मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम जीरो। अब हम इसमें बात करते हैं कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस, ये नंबर है जेड। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन बदल देते हैं, जो एक्स प्लस आई वाई है इसे लिख रहे हैं एक्स माइनस आई वाई। तो ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, ये जो डायरेक्शन है ये वाई की अपर डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो वाई हो जाएगा माइनस, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस हम नीचे लेंगे तो ये माइनस वाई हो गया, और हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी डैश से। तो ये जो पी डैश है वो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसे नाम दिया है जेड बार। इसके ऊपर इस तरह से लाइन बना देते हैं, जेड बार रीड करते हैं, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो इनमें और इसमें आप देखें कि एक रिलेशन आएगा, और रिलेशन ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि जो रियल एक्सिस है ये एक मिरर है, तो उस मिरर में इस पॉइंट की इमेज तो ये है और इस पॉइंट की इमेज ये है, तो हम कहेंगे कि इस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कॉन्जुगेट पॉइंट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या शो करता है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं रियल एक्सिस में। अब हम इसको ये समझते हैं कि जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट भी ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन पेयर में है। अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स यही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो हम ये कहते हैं
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन बाई एक्स माइनस आई वाई विच इज मिरर इमेज ऑफ जेड। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो इन दोनों का जो मॉडुलस है वो भी दोनों का सेम होता है, दोनों की जो जीरो से डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की भी और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की भी। तो कॉन्जुगेट मीन्स अ मिरर इमेज इन रियल एक्सिस।